गुरुकुलियंस, आशा है कि आप घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हिंदी अध्यापक अशोक कुमार इस कलांश में आपके लिए एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। इससे कि पहले की वीडियो में हमने आपको महाभारत की कथा का संक्षिप्त परिचय दिया और देवव्रत के बारे में जानकारी दी थी कि देवव्रत कौन थे, उनके माता पिता कौन थे। आज के इस कलांश में हम पढ़ेंगे भीष्म प्रतिज्ञा, यानी देवव्रत के द्वारा जो प्रतिज्ञा ली जाती है, उस प्रतिज्ञा के बाद ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा था। और ऐसी भयंकर ऐसी प्रतिज्ञा के कारण ही वो संसार में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। और आज की इस अध्याय का नाम है भीष्म प्रतिज्ञा, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जब गंगा ने राजा शांतनु को देवव्रत स्पुर्द कर दिया और राजा शांतनु देवव्रत को लेकर बड़े प्रसन्न मन से हस्तिनापुर लौट गए और देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। युवराज पद पर वो शोभित हुए। इस तरह से राज्य करते हुए 4 वर्ष बीत गए। एक बार राजा शांतनु घूमने के लिए यमुना की तरफ निकले तो उन्होंने देखा कि यमुना के तट पर एक सुंदर युवती वहाँ पर खड़ी है। उसकी सुंदरता पर राजा शांतनु मोहित हो जाते हैं और उससे विवाह करने की प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं। उस सुंदर युवती का नाम था सत्यवती। जब सत्यवती से राजा शांतनु ने विवाह करने के लिए कहा तो सत्यवती ने कहा कि आप इसके बारे में मेरे पिताजी से पूछें, उन्हीं के कहे अनुसार मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ। सत्यवती के पिता का नाम था केवटराज। तो राजा शांतनु ने जब सत्यवती से यह बात सुनी तो वह केवटराज के पास पहुँचते हैं और केवटराज को कहते हैं कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। तो केवटराज कुछ शर्त महाराज शांतनु के सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि जो भी सत्यवती का पुत्र होगा, उनकी संतान होगी, वो हस्तिनापुर के गद्दी पर बैठे राज करे। परंतु राजा शांतनु देवव्रत के सिवाय और किसी को हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठा हुआ नहीं देख सकते थे, इसलिए वो केवट राज की इस बात को स्वीकार नहीं करते, उनकी शर्त को नहीं मानते और वहाँ से वो चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद जब वो हस्तिनापुर पहुँचते हैं तो बड़े दुखी रहने लगते हैं। उनके मन में सत्यवती के प्रति प्रेम जाग उठता है और इस वियोग में वो हमेशा दुखी रहते हैं। देवव्रत देखते हैं कि उनके पिताजी बहुत दुखी हैं, तो एक दिन देवव्रत ने महाराज शांतनु से पूछा कि आपके दुख का कारण क्या है। परंतु महाराज उन्हें इधर उधर की बातों में उलझा देते हैं, टालमटोल कर देते हैं। परंतु देवव्रत बड़े ही प्रखर बुद्धि वाला तेजस्वी बालक था, वो उनकी बातों से कुछ ना कुछ भांप जाते हैं कि उनके पिता सत्य नहीं बोल रहे हैं। तो वो शांतनु के सारथी से मिलते हैं और सारथी के द्वारा जो बात वहाँ पर होती है वो पता लगती है। तब देवव्रत सीधा केवटराज के पास पहुँचता है और केवटराज से सत्यवती का हाथ मांगता है और कहता है कि आप सत्यवती का विवाह मेरे पिताजी के साथ कर दें। परंतु केवटराज
देवव्रत के सामने वही शर्तें दोहराते हैं और कहते हैं कि सत्यवती का पुत्र यानी मेरा नाती ही हस्तनापुर के गद्दे पर बैठे। तो देवव्रत केवटराज जी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि आप इस तरफ से निश्चिंत रहें, और केवटराज को देवव्रत कहता है कि आपकी पुत्री की जो भी संतान होगी वो हस्तनापुर के गद्दे पर बैठेगी। परंतु केवटराज कहता है कि आपकी जो संतान होगी वो भी आपकी तरह बड़ी तेजस्वी और शक्तिशाली होगी, तब वो उनसे राज्य छीन सकते हैं। केवटराज का यह प्रश्न बड़ा ही अप्रत्याशित था। तभी देवव्रत उनकी इस चिंता को भी भांपते हैं और उन्हें चिंता मुक्त करते हुए कहते हैं कि मैं हमेशा ब्रह्मचारी रहूँगा, कभी विवाह नहीं करूँगा। तो इस प्रकार की वो प्रतिज्ञा करते हैं। तो इस प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ता है और तब से देवव्रत को भीष्म कहा जाने लगा। जब देवव्रत केवटराज की इन सभी शर्तों को स्वीकार कर लेते हैं तो वो सत्यवती को अपने साथ ले जाते हैं और शांतनु के साथ सत्यवती का विवाह हो जाता है। उसके बाद सत्यवती व शांतनु के दो पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के बाद चित्रांगद को हस्तनापुर के गद्दे पर बैठाया जाता है, परंतु चित्रांगद की अकाल मृत्यु हो जाती है और उनके स्थान पर विचित्रवीर्य को हस्तनापुर का राज्य संभालना पड़ता है। विचित्रवीर्य की दो रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र पैदा होते हैं और अंबालिका से पांडु। उसके बाद जो धृतराष्ट्र के जो संतान हुई वो कौरव कहलाए और पांडु से पांडव। तब अंत में जब कौरव और पांडवों का एक भयंकर युद्ध होता है, उस समय तक जो भीष्म हैं इस राज विशाल कुल वंश की देखरेख करते हैं। तो इस तरह से जो पूरा जो कुरुवंश चलता है उनका जो पूरा जो क्रम है, इस प्रकार एक चित्र के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि हस्तनापुर के जो राजा हुए हैं शांतनु, उनकी दो रानियां थी, जिनके नाम गंगा और दूसरी रानी का नाम था सत्यवती। गंगा के पुत्र हुए हैं देवव्रत और सत्यवती से दो पुत्र हुए चित्रांगद और दूसरा है विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य की दो रानियां हुई हैं, अंबिका और दूसरी थी अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। उसके बाद धृतराष्ट्र के पुत्र
कौरव हुए, जो कि 100 पुत्र उनके हुए हैं, कौरव नाम से कहलाए, और पांडु के पुत्र हुए पांडव। इस तरह से जो कुरु वंश का जो वंश रहा, और आज के इस अध्याय में हमने आपको बताया कि देवव्रत का नाम भीष्म कैसे पड़ा और शांतनु से सत्यवती का विवाह कैसे हुआ। इसमें देवव्रत ने अपने जीवन का बलिदान किया, भीषण प्रतिज्ञा की, जिसके कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा था। आज के अध्याय में इतना ही, अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप घर पर कुशल रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।